तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो होगा आपका M2R5 का जो प्रैक्टिकल लगे हुए हैं उसके वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ टॉप 50 से लेके 100 क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताएंगे, और जो क्वेश्चन आपको बताएं वो आप उसको ज़रूर एक बार गौर कर लीजिएगा और इसी वीडियो में ही उसको तैयार कर लीजिएगा उसके आंसर। और साथ ही जो MCQs आपने अभी दिए हैं M2R5 के, उस क्वेश्चन को भी तैयार कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपसे बहुत ही बेसिक्स वाले जो हैं पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको बताया 50 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, तो 50 मिनट में से एग्जामिनर आपके पास 1 से 5 मिनट का ही समय आपको देगा और 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलेगा। तो टाइम की शॉर्टेज होने के कारण आपसे जो क्वेश्चन है बहुत ही लिमिट और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और M2R5 की प्रिपरेशन करने के लिए, प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए आपको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाना है यहाँ पे, और नीचे आएंगे आप M2R5 की, यहाँ पे 22 वीडियोस आपको दिखाई दे रही होंगी, मोस्ट हेल्पफुल वीडियो हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, वीडियो को ओपन करना है, जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है, या ID अपना एडिटर पे यूज़ करें तो एडिटर में उसको लिख के कोड को, या कॉपी में लिख के उसको आपको सेव कर लेना है आउटपुट निकाल के, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 4 से 5 बार आपको यही काम करना है, एक एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार आपको IDE पे लिखना है और साथ ही अपने कॉपी पे लिखना है, आपका जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है, और आपका टेबल क्रिएट करना, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बुलेट लगाना, ठीक है, और आपका लिंक क्रिएट करना, इमेज लगाना, और आपके ऑडियो फाइल वीडियो फाइल को ऐड करना, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करके जाइएगा, और फॉर्म क्रिएट करना जिसमें कि आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, रेडियो बटन है, चेक बटन है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इन सभी का जो कम्प्लीट नोट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। HTML, CSS और JavaScript के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नए क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस, सब इसमें सॉल्यूशन अवेलेबल है विद आउटपुट के साथ, ठीक है। आपको ये सिर्फ इन कोड को अपनी कॉपी में लिखना है अपने सॉफ्टवेयर पे और उसको रन करके सेव कर लेना है, बस बहुत ही ईजी है, सिंपल से, और बहुत ही डिटेल में मैंने लिखा देगा, जैसे कि CSS सेट बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर टेबल में डालना है आपको, ठीक है। तब हमने पूरा हेडिंग बना के पूरे आपके लिए इसमें नोट तैयार किया है, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले वाइवा क्वेश्चन की। उससे पहले आपको बता देते हैं, हमने आपके लिए एक प्रैक्टिकल का एक डेमो तैयार किया है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चे M2R5, M3R5 या IoT की तैयारी करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि नाइलेट ने आपको पोर्टल दिया है, उसी प्रकार से हमने एक यहाँ पे पोर्टल तैयार किया है नाइलेट यूज़र लॉगिन के लिए, और यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी हम डालेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा पासवर्ड है, इसको हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे लॉगिन करेंगे आपको देखिए यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन डेमो दिखाई देगा, M1, M2, M3 एग्जाम के लिए 50 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 3 रहेंगे, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, और एग्ज़ाम को ओपन करने के लिए आपको रिज्यूम एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक एडिटर आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे राइट कोड लिखा हुआ है, तो इस वाले कॉलम में आपको कोड लिखना है और यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा, और साथ ही हमने यहाँ पे एक रन बटन दी है ब्लू कलर की, इस पर क्लिक करेंगे तो कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ये काम करता है, काफ़ी अच्छा पोर्टल आपके लिए मैंने तैयार किया है, और ये देखिए कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो देखिए जैसे हम पेस्ट करेंगे, रन भी नहीं करेंगे उससे पहले ही आपका जो है पूरा आउटपुट इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको कोर्स आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके जाएं और इसकी कोडिंग देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये डेमो भी आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा एक नाइलेट का पोर्टल यहाँ पे जो है ऑफलाइन मोड पे क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आप लॉगिन करके सेम उसी प्रकार से एक्सेस अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे, वाइवा के क्वेश्चन नोट करते जाइए फटाफट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वाज, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेट का जो जन्म हुआ वो किस सन में हुआ, तो आप बता दीजिएगा 1969 में।
ठीक है। और दी ओरिजिन ऑफ इंटरनेट यानी कि डेवलप्ड बाय कॉन्सेप्ट, तो आपका इंटरनेट जो है वो किस ओरिजिन पर डेवलप किया गया था, उसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं आर्पा नेट था। और आर्पा नेट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म मान ली पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, क्या हो जाएगा इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन में, ब्राउजिंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स में, और सोशल नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकोनाइज बाय यूनिक, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि हर एक कंप्यूटर की एक यूनिक मतलब हर एक कंप्यूटर आपका एक यूनिक आईडी रखता है, तो उस आईडी को बेसिकली क्या कहते हैं, तो आप यूआरएल या आईपी एड्रेस दोनों बता सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो बेसिकली आईपी एड्रेस एक होता है नेटवर्क का यूनिक नाम, ठीक है, जैसे कि आप उस लोकेशन को ट्रैक कर सकें। एक कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रो, तो एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, TCP/IP के माध्यम से, आप बता सकते हैं TCP/IP के माध्यम से। उसके बाद HTML का देखिए फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कौन थे, तो आप बता देगा टिम बर्नर्स ली। उसी प्रकार से HTML का कब जन्म हुआ था, किस उनके जो डेवलपर थे उनके नाम, ये बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो WWW का फुल फॉर्म भी देखिए हमने लिख दिया है इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जनक जो थे टिम बर्नर्स ली। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, नोट कर लीजिए। URL का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दीजिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दीजिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DNS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दीजिए डोमेन नेम सिस्टम। MIME का तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा जा सकता है आपसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो करेक्टरिस्टिक्स में आप बता सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग है, कम्युनिकेशन स्पीड, बैकअप, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपके करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हमने आपके लिए लिखा है नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 5 या 10 नेटवर्क डिवाइसेस के नाम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, बता दीजिए हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडम, राउटर, रिपीटर, एक्सेट्रा। 5 कोई नाम आप तैयार कर लीजिए, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडम, राउटर या रिपीटर। अब इसी में से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हब का क्या काम होता है, स्विच का क्या काम होता है, ठीक है, मॉडम का क्या काम होता है, वाईफाई राउटर का क्या काम होता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इसमें। मेरे को नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है कि वाईफाई का काम क्या होता है, राउटर का काम क्या, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बेसिकली डिवाइस हैं आपकी। उसके बाद नेटवर्क के टाइप्स अगर आपसे पूछा जाए तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क या 4 टाइप्स आप बता सकते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन, ठीक है। बेसिकली पैन का ज़्यादा यूज़ नहीं हम लोग करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ऑफिस और बिल्डिंग्स के लिए। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि यूज़ विद इन द सिटी में, और वैन का यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यूज फॉर कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के एडवांटेज मान लीजिए आपसे पूछता है एग्जाम में तो बता दीजिए ओपन फॉर एवरी वन या ओपन टू एवरी वन यानी कि सभी के लिए ओपन है आपका, ठीक है। फाइल शेयरिंग आपको मिल जाती है इसमें, सिक्योरिटी फीचर्स है, ईजी टू एड आ न्यू डिवाइस, उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर की सुविधा आपको मिल जाती है। अगर वो इसी में पूछे आप उसके डिसएडवांटेज बताइए, तो डिसएडवांटेज में आप बता दीजिए नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड यानी कि हर एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए उसमें आपको नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वायरस अटैक का खतरा रहता है, रिक्वायर्स हैंडलर, ठीक है, हैंडलर मतलब इसमें चाहिए चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, सर्वर्स चाहिए जिससे कि आप उसमें स्टोर कर सकें या
डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेजेस में आती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के नाम, तो आप बता दिए TCP IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल और इन सभी के फुल फॉर्म। तो IP का आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं, या PPP पीयर टू पीयर होता है आपका, IMAP का आपका UDP यूज़र डेटाग्राम, FTP फाइल ट्रांसफर। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सभी के फुल फॉर्म आपको बताने, ऑलरेडी हमने MCQs में आपको कराए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं बच्चों को, ठीक रहता है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद OSI मॉडल क्या है, तो OSI का जो फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, जिसमें कि आपकी 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये सारे नाम आपको बताना चाहिए और कितनी होती हैं वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI, तो OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बता दिया आपने। TCP/IP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। द पोर्ट नंबर ऑफ FTP तो बता दिए 21, FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है 21। दी लेंथ ऑफ IPv4 कितने बिट की होती है तो बता दीजिए 32 बिट की होती है, IPv4 बता दीजिए 32 बिट। IPv6 पूछा जाए तो बता दीजिए 128 बिट। ठीक है, दी पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज 25 बिट। ठीक है, दी पोर्ट नंबर ऑफ 143 इज रिफर टू IMAP, या इस प्रकार से पूछा जाए IMAP जो है वो कितने पोर्ट नंबर से कनेक्ट किया जाता है तो बता दीजिए 143। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MAC यानी कि MAC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दीजिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लेंथ ऑफ MAC एड्रेस 48 बिट। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद जैसे कि पूछा जाए टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो आप बता दीजिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है, POP जो मैंने बताया, पॉइंट टू पॉइंट, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैस और हाइब्रिड, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि पूछा जाए व्हाट इज़ नेटवर्क, तो इट इज़ ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, ए नोड कैन बी अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस केबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा जनरेट बाय अदर नोड ऑन द नेटवर्क। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। पूछा जाए व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ ए सेट ऑफ रूल डेट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, तो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लिंक द फिजिकल मीडिया इंटू लॉजिकल चैनल फॉर बेटर इफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ आपकी क्या होती है, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी डेट ए मीडियम कैन पास इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए मान लीजिए HTML के क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट आर दी वेरियस आपके फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML, तो कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं आपके HTML में, जैसे कि B है किसके लिए यूज़ करते हैं, मार्क मेक टेक्स्ट बोल्ड यानी कि बोल्ड करने के लिए, I है इटैलिक करने के लिए, EM है हमारा तो EM मेक टेक्स्ट इटैलिक बट एडेड सिमेंटिक इंपॉर्टेंस, बिग है तो हमारा इंक्रीज साइज फॉन्ट का साइज स्मॉल है, सब है हमारा सब स्क्रिप्ट के लिए, SUP है हमारा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, स्ट्रोक है हमारा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट के लिए, मार्क है हाईलाइट टेक्स्ट, INS टैग है हमारे पास डिस्प्ले एज ए एडेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स हैं, उसी प्रकार से P टैग है पैराग्राफ टैग्स हो गया। ठीक है, और कितनी आपकी हेडिंग होती हैं H1 से लेके H6 तक, ये सारी हेडिंग्स हो गई, ये सारे आपको पता होने चाहिए, और HTML का फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, CSS का फाइल एक्सटेंशन, JavaScript का फाइल एक्सटेंशन, इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हाउ मेनी वे कैन वी स्पेसिफाई CSS स्टाइल फॉर दी HTML, यानी कि कितने प्रकार से हम CSS को HTML के साथ लिख सकते हैं, तो देखिए तीन मेथड होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए वी यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट इन द इनसाइड इन द HTML एलिमेंट, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं अपने HTML एलिमेंट के अंदर। ठीक है,
इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में वी यूज़ स्टाइल टैग इन साइड दी हेडर टैग के अंदर, ठीक है। और टू अप्लाइड वी बाइंड दी एलिमेंट यूजिंग आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के साथ हम इसको लिखते हैं। और एक्सटर्नल्स होता है तो एक्सटर्नल के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं और इसको भी इनसाइड हेडर टैग में यूज़ करते हैं। और इसकी एक अलग फाइल हम क्रिएट करते हैं फाइल या फोल्डर में, वहाँ से उसको हाइपरलिंक कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन आपकी फाइलें आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कोड इन एचटीएमएल, तो आपसे पूछा जाए तो कैसे आप बताएंगे, तो आप बताएंगे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है अपना जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे डेमो या कुछ भी लिख सकते हैं डॉट इनर एचटीएमएल और इक्वल टू स्क्रिप्ट टैग, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद देखिए सम एडवांटेज ऑफ एचटीएमएल 5 के, मान लीजिए कुछ एडवांटेज पूछे जाएँ तो बता दीजिए, इट हैज़ मल्टीमीडिया सपोर्ट, ठीक है। इट हैज़ दी कैपेबिलिटी टू स्टोर ऑफलाइन डेटा यूजिंग एसक्यूएल डेटाबेस एंड आपका जो है एप्लीकेशन कैश। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन बी रन इन दी बैकग्राउंड, एचटीएमएल 5 आपका जो अलाउ करता है यूज़र टू ड्रॉ वेरियस शेप्स रेक्टेंगल सर्किल ट्रायंगल, ये सारा चीज़ इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है इंक्लूडेड न्यू सेमेंटिक टैग्स एंड फ्रॉम दी कंट्रोल टैग्स आपको इसमें मिलते हैं, जो कि इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद पूछा जाए देखिए व्हाट इज़ एचटीएमएल, तो एचटीएमएल आपका क्या है, तो आप बता दीजिए एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और इट इज़ ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू क्रिएट डिस्प्ले पेजेस ऑन वेब पेज और इट मेक द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक, इट कैन रन टेक्स्ट इनटू इमेज टेबल लिंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो एचटीएमएल के बारे में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेडिंग डज एचटीएमएल कंटेन, तो आप बता सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6। अब इसी में पूछा जाए सबसे बड़ी हेडिंग का नाम बताइए, तो आप बता दीजिए H1, सबसे छोटी हेडिंग का नाम बता दीजिए तो H6, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। नेक्स्ट आके चलते हैं, अब यहाँ से मान लीजिए पूछा जाए विच एचटीएमएल टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले दी डेटा इन टेबुलर फॉर्म, मान लीजिए आपसे टेबल के बारे में पूछा जाए तो बता दिए टेबल का यूज़ करते हैं इट डिफाइन दी टेबल को डिफाइन करने के लिए, TR टैग का यूज़ करते हैं टेबल में रो को इंसर्ट करने के लिए या रो को डिफाइन करने के लिए, TH टैग का यूज़ करते हैं डिफाइन दी हेडर किसी टेबल में हेडर डालने के लिए, और TS टैग का यूज़ करते हैं सेल इन टेबल जो सेल्स हैं उसमें डिफाइन करने के लिए, सेल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। कैप्शन से हमारा, ठीक है। उसके बाद टी बॉडी है, टी हेड है, कॉल ग्रुप है, तो बेसिकली यही तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, TR, TH, TD, ठीक है। इसी का ही आप लोग पता कर लें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी टाइप्स आर आपकी जो कॉमन लिस्ट होती हैं आपकी वो कितने प्रकार की होती हैं, तो दो ही प्रकार की बेसिकली अधिकतर यूज़ की जाती है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हमारी होती है इसमें OL टैग का यूज़ करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट होती है इसमें UL टैग का यूज़ करते हैं, और जो डेफिनेशन होती है उसमें DL टैग, DT और DD का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ स्टाइल शीट, स्टाइल शीट आपकी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं ए स्टाइल शीट इज़ यूज टू बिल्ड अ कंसिस्टेंट ट्रांसपोर्टेबल एंड वेल डिज़ाइन स्टाइल टेम्पलेट, यू कैन एड दिस टेम्पलेट ऑन सेवरल डिफरेंट वेब पेजेस, इट डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ आ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक लाइन का आपको बता देना है बस। वाट इज़ मार्की, तो आप मान लीजिए पूछा जाए वाट इज़ मार्की, तो मार्की इज़ यूज टू पुट द स्क्रोलिंग टेक्स्ट, ठीक है। अगर हमको कोई स्क्रोलिंग टेक्स्ट लगाना है यहाँ पे, जैसे ये CSS लिखा हुआ है, CSS को स्क्रोल करना है लेफ्ट राइट या अप डाउन, तो इसके लिए मार्की टैग का यूज़ किया जाता है अप डाउन या लेफ़्ट राइट, उसको स्क्रोल करने के लिए, किसी टेक्स्ट को स्क्रोल करने के लिए मार्की टैग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे पूछा जाए CSS के एडवांटेज बताइए, तो बता दीजिए भैया सेपरेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, CSS आपका जो है प्रोवाइड करता है वे टू प्रेजेंट दी सेम कंटेंट इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मेट डेस्कटॉप, आपका जो भी फॉर्मेट है
वो सभी फॉर्मेट में ये सपोर्ट कर लेता है। इजी टू मेंटेन है आपका, और इसमें बैंडविड्थ आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे कि आप डाउनलोडिंग वगैरह अच्छे से कर पाते हैं। अब सी एस एस है क्या? तो सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल से, इट इज़ ए पॉपुलर स्टाइलिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज्ड विद एचटीएमएल टू डिज़ाइन वेबसाइट। इट कैन आल्सो यूज्ड विद एनी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्लेन टेक्स्ट आपके, जैसे कि एक्सएमएल हो गया, एसवीजी हो गया और एक्सयूएल हो गया। ठीक है, तो चलिए सुन आगे चलते हैं। व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ सी एस एस? जैसे पूछा जाए तो बता दीजिए, बैंडविड्थ है, ठीक है, साइट वाइड कंसिस्टेंसी, पेज रिफॉर्मेटिंग एसेसिबिलिटी, या फिर कंटेंट सेपरेटेड फ्रॉम प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट आप बता सकते हैं। व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ सी एस एस? तो बता दीजिए, असेंडिंग बाई सेलेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल, लिमिटेशन ऑफ वर्टिकल कंट्रोल, नो एक्सप्रेशन, नो कॉलम डिक्लेरेशन, आपके पीशेड्यू क्लॉज नॉट कंट्रोल बाई डायनेमिक बिहेवियर। ठीक है, तो कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सी एस एस के फ्रेमवर्क आपके कौन कौन से हैं? तो बता दिए, बूट स्ट्रैप, फाउंडेशन, आपके सीमेंटिक यू आई, गम्बाई, ठीक है, और यू एल किट। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। सी एस एस के सेलेक्टर से आपके नाम पूछे जाए तो बता दीजिए, सी एलिमेंट सेलेक्टर, आई डी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, इतने आप नाम बता सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट आपका क्या है? तो बता दीजिए, जावा स्क्रिप्ट से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जावा लैंग्वेज, और इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, इट इज़ वाइडली यूज टू क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, और जो कि जावा स्क्रिप्ट है वो आपके ट्रांसलेट करती है, एम्बेडेड इन द ब्राउज़र, और रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेटिंग द जावा स्क्रिप्ट कोड टू द वेब ब्राउज़र। ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हैं। लिस्ट सम फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, आप बता सकते हैं, लाइट वेट है आपकी, लाइट वेट यानी कि कोडिंग के अनुसार है, ठीक है, कोई वेट नहीं इसमें। इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, गुड फॉर द एप्लीकेशन विच आर नेटवर्क सेंट्रिक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जावा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एचटीएमएल और ओपन सोर्स है। ठीक है, जिस ये इसके आ गए कुछ फीचर्स। नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ सम दी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मान लीजिए पूछा जाए आपसे जावा स्क्रिप्ट, तो बता दीजिए, एडवांटेज में सर्वर इंटरेक्शन इज लेस, ठीक है, फीडबैक टू दी विजिटर इज इमीडिएट है, इंटरेक्टिविटी इज़ हाई है, ठीक है, इंटरफेसेस आर रिचर है इसमें। ठीक है, और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपका नो सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग के लिए, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए भी नहीं यूज़ किया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल इज नॉट अलाउड, में नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, तो ये हो गए कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। उसके बाद देखिए, कॉमन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में, तो आप बता सकते हैं, जावा आपका जो है वो जावा इसे कंप्लीट एंड स्ट्रॉन्ग टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर बैक एंड कोडिंग। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट इसे वीकली टाइप लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली यूज़ आपकी की जाती है वेब ब्राउज़र के लिए। ठीक है, तो इसके दो चार पॉइंट हैं, जैसे कि जावा आपका जो है सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करता है, और ये आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपका जो है उसको यूज़ करता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज को, और ये आपका जो है ओप्स कॉन्सेप्ट को नहीं सपोर्ट करता है, बेसिकली ये जो यूज़ किया जाता है एचटीएमएल लैंग्वेज के साथ इसको यूज़ किया जाता है। देखो, चार पाँच पॉइंट हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एसएमटीपी स्टैंड फॉर, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसमें आ गया, तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कुछ देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम दिए गए हैं, जैसे कि जीआईएफ का फुल फॉर्म तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जेपीईजी का फुल फॉर्म तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी का फुल फॉर्म तो बता दीजिएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, ये बीएमपी का तो बिट मैप बता दीजिएगा, बाकी तो ये नहीं पूछे जाएंगे आपके। पीडीएफ का है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये है इतने क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के नाम तो बता दीजिए, मॉडम, एनआईसी, रिपीटर्स, हब, स्विचेस, राउटर्स, ब्रिज और गेटवे, इतने नाम आप बता सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपके पास आ जाता है पैन, लैन, मैन और वैन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं फायरवॉल्स हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं,
सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा लॉस प्रिवेंशन, इनक्रप्शन या फिर आईडीएस जिसको कि बोलते हैं इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन नाम बता दीजिए आप कोई भी, ऐसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस और आपका इंक्रप्शन, ये मोस्ट तीन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम मान लीजिए पूछा जाए तो बता सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ठीक है, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, ठीक है, ये कुछ ब्राउजर्स हैं, इनके नाम आप बता सकते हैं। और भी नीचे देखिए लिस्ट दी गई होगी इसमें, जैसे कि क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ ब्राउजर्स के नाम आपसे पूछा जाए तो बता दीजिए। उसके बाद कुछ मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके नाम मान लीजिए पूछना है तो ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हैं उसको देख लीजिए, तो बिट टोरेंट इसको हटा दीजिए कि नहीं पूछा जाएगा, एफटीपी है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, POP3 है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हो गया, ठीक है, स्काइप है तो स्काइप का तो पीयर टू पीयर VOIP प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यही है बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपकी यूज़ होती हैं, सबसे जैसे कि लिंक्डइन बता सकते हैं, ठीक है, आप फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस और आपका जैसे कि यूट्यूब्स हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम है, आपके व्हाट्सएप हैं, ठीक है, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। कुछ भी 4-5 नाम आप इसमें लेके बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉपुलर जो है वो हमने यहाँ पे लिंक भी आपको यानी कि इमेज के माध्यम से भी ऐड कर दिया। तो यही हैं आपके वाइबा के क्वेश्चन M2R5 को जो पूछे जा सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही है, बाकी जो MCQs आपने तैयार किए होंगे उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके M1, M2, M3, M4 एग्जामिनेशन के लिए। बाकी सारा सोल्यूशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिन्होंने नोट्स परचेस किए उनको नोट्स का एक्सेस मिल गया होगा, वहाँ से प्रैक्टिस करें, आपका जो है पेपर अच्छा हो जाएगा।